नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से। 26 अगस्त से जो ये आवेदन शुरू हो चुके हैं, अप्रेंटिस की पोस्ट है। आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है या BE BTech करी हुई है या आप ITI वाले हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आपको नोटिफिकेशन रीड करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे वैसे सारे लिंक जो है वो दिए गए हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पता है कि नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं BE BTech वाले या इससे संबंधित अगर कुछ करा हुआ है तो उनके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल करी हुई है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या आपने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेटिकुलरी, मटेरियल साइंस, सिविल या इससे संबंधित कुछ करा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 साल तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी। अगर इससे संबंधित किसी भी स्ट्रीम में आपने BE BTech करी हुई है या इससे संबंधित कुछ करा हुआ, आप आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल एंड डाई डिज़ाइन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं डिप्लोमा में। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आप आवेदन कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा और डिप्लोमा जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड या स्टेट से जो है वो होना चाहिए। बात कर देते हैं दोस्तों ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शीट मेकर, वर्कर, उसके बाद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको COPA जो है वो बोला जाता है। तो इसमें अगर आपने ITI करी हुई इनमें से किसी भी एक्सट्रीम में तो आपका एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा तो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ITI होना अनिवार्य है, किसी भी तरह के मार्क्स नहीं है, सिर्फ पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने दोस्तों 2017 और 2017 के बाद जो है वो करी हुई है यानी कि 2017, 18 और 19 वही एलिजिबल है। अगर आपने 2016 में करी है या उससे पहले करी है तो आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टाइपेंड की। तो यहाँ पे स्टाइपेंड दोस्तों आपको पता है कितना ज़्यादा नहीं मिलता है, और अगर आपको DRDO जैसी जो है वो संस्था में काम करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपके काफ़ी लिंक्स बनते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है जैसे ही आप अपनी जो अप्रेंटिसशिप उसको कंप्लीट करें तो उसके बाद जो है आप जो है वहीं जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको जॉब भी मिल सकती है। BE BTech दोस्तों जो है उनको मिलेगा 4,900 के आसपास स्टाइपेंड, डिप्लोमा वालों को जो है 3,500 रुपये और बाकी ITI वालों को एज पर गवर्नमेंट रूल जो है वो मिलेगा जैसा कि बाइबल आया यहाँ पे जानकारी दी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। बात कर लेते दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 7 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है पब्लिश कर दिया जाएगा उनकी डिटेल उनकी वेबसाइट पर 17 सितंबर को, और 24 तारीख को जो है आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा ITI वालों के लिए। उसके बाद जो है डिप्लोमा वालों के लिए 25 तारीख को और 26 सितंबर को जो है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताइए नोटिफिकेशन रीड करना है। तो अप्लाई लिंक दोस्तों मैं डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अच्छी ये रिक्रूटमेंट है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप फ्रेशर्स हैं और फ्री में जो है वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की फीस तो है नहीं, तो आप चाहें तो 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप होने वाला है, चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे भी आप कई बार एक एक साल जो है वो आपका निकल जाता है जॉब ढूंढने में, तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बेंगलुरु आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और रिटर्न टेस्ट के लिए भी आपको बेंगलुरु में ही जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों अपडेट था, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।